please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। कत्ल सिर्फ कहना ही काफी होता है सिर से पांव तक सिहरन दौड़ाने के लिए, और जब ये पता चले कि एक ही दिन में चंद किलोमीटर के दायरे में कई कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तो न सिर्फ अजीब लगता है, हैरानी भी होती है, और एक के बाद एक कई सवाल भी जहन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 3 अलग अलग शहरों में 9 लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो सबसे पहले यह खुलासा, चौबीस घंटे के भीतर हत्याओं से मच गया हड़कंप। एक दिन 3 शहर, 9 मर्डर। पटौदी, मंगोलपुरी और बुलंदशहर। ये 3 शहर 3 अलग अलग सूबों में हैं, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और इनके बीच की दूरी करीब 160 किलोमीटर के आसपास बैठती है। लेकिन बीते 24 घंटे के दौरान एक वारदात इन तीनों का रिश्ता एक साथ जोड़ दिया है। इन तीनों ही जगह कत्ल की वारदात हुई, और कत्ल भी ऐसा जिसके बारे में सुनकर समूचा इलाका सहम गया। गुरुग्राम के पटौदी का ब्रजपुरा गांव, बुधवार की शाम से ही पूरा गांव गुमसुम है, जब से यहां एक घर से 4 लोगों की हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई। शाम को 6-7 बजे इस बात का पता लगा है, क्योंकि घर में कोई लाइट वाइट नहीं जली, इस कारण से वो बड़ा भाई का हमारा पटौदी का लड़का, वो अंदर गए जाके देखा तो फिर वो मम्मी वहां मिली है। इलाके में इस बात को लेकर कानाफूसी चल रही है कि गनीमत है कि इस घर का एक मासूम बच्चा स्कूल गया था, अगर वो स्कूल न गया होता तो शायद वो भी जिंदा न बचता। उसकी उम्र 3 साल की बताई गई, वरना कातिलों ने 1 साल की मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा। मनीष जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, उसकी माता फूलवती जिसकी उम्र लगभग 60-62 साल के करीब है, तथा उसकी पत्नी पिंकी जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, इनके शव वहां पर थे, जिसमें पता चला था कि एक बच्ची भी घायल है जो हॉस्पिटल में है, बाद में जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बाहरी दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका, गुरुग्राम के पटौदी से मंगोलपुरी के इस इलाके तक की सड़क की दूरी 68 किलोमीटर है, और इत्तेफाक देखिए, यहाँ भी कत्ल की ऐसी वारदात हुई जिसके बाद समूचे इलाके में दहशत का आलम है। लोगों की जुबान पर कत्ल का पूरा आंखों देखा हाल भी है, और इन लोगों ने कातिल को भी देखा है लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। बताने वाले बता रहे हैं कि वो 3 थे, चेहरे पर नकाब था और हाथों में चाकू। 7-8 लोगों को चाकू मारे और उसमें 2 लोग हमारे आगे मर गए जिनका डेथ हो गई। एक बंदा आया जो पापा को जानता था, वो कह रहा कि तुम्हारे पापा को चाकू मार दिया और मुझे चाकू मार दिया, थोड़ा जल्दी से चलो। फिर मैं आया तो मैंने देखा मंदिर के सामने मेरे पापा गिर पड़े थे। बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र का गिरधारी नगर, मंगोलपुरी से बुलंदशहर करीब 133 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ इसी बीते 24 घंटे के भीतर जो वारदात सामने आई उसे जिसने भी सुना सहम गया, क्योंकि यहाँ एक परिवार में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक महिला है जबकि उसके 2 छोटे मासूम बच्चे भी हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ, मकान मालिक से पूछताछ के आधार पर, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी पूछताछ से, यह आपसी विवाद है और परिवार के लोगों का ही इसमें कार्य है, इसके लिए हम लोग इसमें चिन्हित कर लिए हैं और कोई 1-2 व्यक्तियों को हम लोग भी उठाकर उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं।
वारदात बेशक एक घर के भीतर हुई, लेकिन उसकी दहशत की जद में पूरी कॉलोनी है, क्योंकि हर कोई कानाफूसी करके बंदोबस्त को कोसता दिखाई दे रहा है कि शहर की घनी बस्ती में बसी एक कॉलोनी के भीतर दिन दहाड़े कत्ल की वारदात को अंजाम देकर कोई कितनी आसानी से चला गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। चलिए बात करते हैं पटौदी की, क्योंकि यहां का किस्सा इसलिए और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है क्योंकि कातिलों ने एक साल की मासूम बच्ची के साथ भी रहमदिली नहीं दिखाई, लेकिन सारा गांव उस वक्त बुरी तरह चौंक गया जब घर में एक मासूम को अपने पिता की लाश के पास सोते हुए देखा। वो बच्चा रोते रोते वहीं पिता के पास सो गया था। शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कातिलों की नजर में वो नहीं आया, और इसी से इस बात का भी खुलासा होता है कि कातिल कोई अनजान लोग थे। ब्रजपुरा में एक परिवार के चार लोगों की हत्या, पति पत्नी, एक साल की बच्ची और बुजुर्ग महिला की हत्या, खून में डूबा मिला मां और बेटे का शव, घर की बहू पंखे से लटकी मिली, माँ बाप दादी की लाशों के बीच रोया और सोया एक नन्हा मासूम। ये सच इसी मकान से सामने आया तो तमाम लोग बुरी तरह सहम गए। किस्सा ही इतना खौफनाक है कि सुनने वालों के कान सुन्न पड़ गए। इस घर की हकीकत तब सामने आई जब बुधवार की शाम दूध वाले ने घर को अंधेरे में डूबा देखा। वो भीतर गया तो वहां का मंजर देखकर उसका सिर चकरा गया। हर तरफ खून ही खून था और दो लाशें बिखरी हुई थी। एक लाश पंखे से झूल रही थी जबकि एक साल की बच्ची दर्द से तड़प रही थी। और सबसे दर्दनाक वाकया तो ये था कि तीन साल का एक मासूम वहीं अपने पिता की लाश के पास सोता हुआ मिला। मौके पे लड़की सांसें ले रही थी, उनकी छोटी बच्ची, ठीक है। मनीष कुमार डेड थे, उनकी माताजी डेड थी और उनकी वाइफ हैंग थी वहां पे, फांसी थी। इस मकान के बाहर मौजूद इस भीड़ के बीच एक शख्स उसी घर के भीतर का नक्शा एक कागज पर बनाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई सकते में है और समझ भी नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ जो कुछ भी हुआ, हुआ क्यों? क्योंकि इस मकान में रहने वाले लोगों को जानने वालों का कहना यही है कि न तो इन लोगों की किसी से रंजिश थी, न ही कोई अदावत। तो फिर ये सब किसने किया और क्यों किया? ये तस्वीर इसी मकान में रहने वाले 25 साल के मनीष गौड़ की है और साथ में है उनकी पत्नी पिंकी। इस मकान में मनीष और उनकी पत्नी पिंकी अपने दो बच्चों एक साल की चारू और तीन साल के अक्षय के साथ साथ अपनी माँ फूलवती के साथ रहते थे। भाई गया था पड़ोस से, उसने ही मुझे इन्फॉर्म किया था 7:45 बजे आके कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। उससे पहले कोई खबर नहीं थी, ना कोई गाँव में किसी को पता था, ना कोई ऐसा किसी को अंदेशा था कि ऐसा हादसा हो सकता है। लेकिन जब गांव वालों ने वारदात की इत्तला के बाद घर देखा तो मनीष का शव बेडरूम में खून से लथपथ हालत में मिला था, जबकि वहीं पास ही उसकी बेटी चारू बुरी तरह से जख्मी हालत में मिली थी। लेकिन मनीष की मां फूलवती का शव बरामदे में पड़ा मिला। मनीष की पत्नी पिंकी का शव दूसरे कमरे में रस्सी से झूलता हुआ मिला। गौर करने वाली बात पुलिस को ये दिखी कि पिंकी के शरीर पर चोट के कई निशान थे। इसमें सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल जो भी इंफॉर्मेशन हैं कलेक्ट की जा रही हैं और उसी के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीजें स्पष्ट की जाएं। अब पुलिस हर तरह से तफ्तीश कर रही है क्योंकि उसे ये पता चल गया कि इस घर के लोगों की किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर कत्ल की आखिर क्या वजह हो सकती है? पुलिस ये भी समझना चाहती है कि जिस वक्त कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त क्या घर के लोग चीखे भी नहीं थे?
अगर चीखे तो उनकी चीख किसी ने सुनी क्यों नहीं। पुलिस ये भी समझना चाहती है कि पूरे परिवार का सफाया करने वाले कातिल आखिर चाहते क्या थे। और अब बात बुलंदशहर की। यहाँ दिन दहाड़े एक घर में एक महिला की उसकी बच्चों के साथ हत्या कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि सभी का गला काट दिया गया था, लेकिन आस पड़ोस में किसी को भी इस बात का पता तक नहीं चला। तो क्या मरने वालों की चीखें नहीं निकली, या फिर उनकी चीखें किसी ने सुनी ही नहीं। एक और सवाल, आखिर पुलिस के नाम का खौफ शहर में बचा भी है या नहीं। बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर, तिहरे हत्याकांड से सनसनी, दिन दहाड़े कत्ल की वारदात, लाशें देख मकान मालकिन बेहोश, गर्दन कटी लाशों से फैली दहशत। यह बुलंदशहर का गिरधारी नगर इलाका है और कोतवाली यहां से महज चंद कदमों की ही दूरी पर है, लेकिन इस इलाके में इस वक्त सनसनी फैली हुई है क्योंकि यहां तीन तीन कत्ल की वारदात अंजाम दी गई और वो भी दिन दहाड़े। महिला सहित मासूम बच्चों की गला रेतकर बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। हालांकि तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं, दावा कर रहे हैं जल्द से इस मामले को खोल दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस की नाक के नीचे दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर करके बदमाश कैसे फरार हो गए। गिरधारी नगर की इस कॉलोनी में एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और वो भी भरी दोपहर में। इस वारदात के सामने आने के बाद से ही इलाके के लोगों के साथ साथ पुलिस भी हैरान है और परेशान भी। उसकी हैरानी और परेशानी का जिक्र करने से पहले इन तस्वीरों पर जरा नजर दौड़ा लीजिए। जब पुलिस के लोग चद्दर और कपड़ों में लपेट कर घर के भीतर पड़ी लाशों को समेट कर अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला और उसके सवाल पुलिस के सामने खड़े हैं, मगर जवाब यहां किसी के पास नहीं। पुलिस के पास है तो बस वही रटा रटाया जुमला। बहुत जल्दी ही परिवार का मामला इसमें भी घटना का जो समझिश्चर लग रहा है, अब इसका कि इसका वो जल्दी ही अनावरण। दरअसल पुलिस की हैरानी और परेशानी की यही वजह है क्योंकि वारदात के बाद सकते में आए लोगों की निगाहें पुलिस को ही घूर रही हैं। सवाल यही है कि आखिर दिन दहाड़े कोई कातिल कितनी आसानी से कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम देकर यहाँ से निकल गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। उसके दो बेटे हैं, करीब चार साढ़े चार साल का, पाँच साल का बेटा है बड़ा वाला और एक है सवा साल का लड़का उसका, तो दोनों का तीनों का गर्दन कटी हुई। खुलासा उस वक्त हुआ जब इस मकान की मालकिन को किसी ने घर से खून के बहने की इत्तला दी। मौके पर पहुंची मकान मालकिन घर के भीतर का मंजर देखकर बेहोश हो गई। कमरे में यहां रहने वाली रूबीना और उसके दो बच्चों की गर्दन कटी लाशें पड़ी हुई थी। फौरन पड़ोसियों ने वारदात की इत्तला पुलिस को दी। ये धारदार हथियार से हत्या किया जाने से प्रतीत हो रहा है और इसमें हम लोग आरोपी चिन्हित कर लिए हैं और बहुत ही जल्दी कुछ घंटों में इसका अनावरण कर। पुलिस का अंदाजा है कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई नजदीकी ही है। शक जाहिर किया है महिला के पति पर क्योंकि वही मौके से लापता है और कयास तो ये भी पुलिस ने लगाया है कि कत्ल की वारदात के पीछे पैसों का लेन देन हो सकता है, क्योंकि ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि अगर मामला पैसों के लेन देन का ही है तो फिर बच्चों का कत्ल क्यों। फिलहाल तो पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस का शक मरने वाली महिला के पति का पीछा कर रहा है।